हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हमलावरों ने सोते युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्यारों ने मृतक के सिर पर कई वार किए और हत्याकांड की घटना को अंजाम देकर हमलावर आसानी से फरार हो गए। चारपाई पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा ये शव बुलंदशहर के लखावटी निवासी हसीन उर्फ डैनी का शव है। डैनी खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा शिकारपुर स्टेट हाईवे के किनारे छप्पर में टायर पंचर की दुकान चलाता था, जबकि मृतक डैनी हर रोज की तरह रात भी अपनी दुकान यानी छप्पर में सो रहा था और उसी वक्त हमलावरों ने डैनी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि पुलिस अधिकारियों की ओर से कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। नाम था जो है हसीन और डैनी, लखावटी गांव का रहने वाला था। यहां पर अपना टायर और इसका सुबह देखा गया तो इसका शव जो है चरपैया पड़ा हुआ है। फोरेंसिक टीम मौके पे है, जो उपलब्ध साक्षी हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है। बाकी विवेचना में इस संबंध में पीएम के लिए बॉडी को एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।